नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है योगेश जांगिड़ संगीत शास्त्र केंद्र के अंतर्गत। आज उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब का जन्मदिन है, तो उनके घराने की परंपरा के लोगों को और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब को, जो कि है तो नहीं किंतु उनके जन्मदिन पर उनके चरणों में हम सादर प्रणाम करते हैं और उन्हें जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। रहा नहीं जा रहा था, इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूं और उनके बारे में दो चार शब्द मुझे ज्ञात हैं, सब ईश्वर की दुआ और गुरुजनों के आशीर्वाद से, तो वही आप सभी के समक्ष रखने का प्रयास कर रहा हूं। ध्यान से एक एक बात को सुनिएगा, बड़ी गहरी बातें आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं। तो थोड़ा सा प्रकाश डालता हूं उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब के बायोग्राफी पर। तो देखिए, इनका जो जन्म है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब का जन्म हुआ था 21 मार्च 1916 में, इट मीन्स 21 मार्च 1916 में डुमराव नामक गांव में, और इनका जो निधन हुआ था वो 21 अगस्त 2006 बनारस में इनका निधन हो गया था। इन्हें सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, जिसे आप भारत रत्न के नाम से जानते हैं, 2001 में इन्हें भारत रत्न मिला। इनको चारों नागरिक पुरस्कारों से नवाजा गया है। देखो, भारत रत्न भी इन्हें मिला है, पद्म विभूषण भी मिला है, तो पद्म भूषण भी मिला है, और पद्मश्री से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। तो चारों ये सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, हालांकि भारत रत्न है, लेकिन चारों ये उच्च स्तरीय पुरस्कार हैं। तो भारत रत्न इन्हें मिला 2001 में, पद्म विभूषण मिला 1980 में, पद्म भूषण मिला 1968 में, और पद्मश्री मिला 1961 अर्थात 1961 में। संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप, दो चीजें होती हैं, संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप देती है, एक अवार्ड देती है, इनको दोनों ही मिले। संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप इन्हें प्राप्त हुई 1994 में, और संगीत नाटक अकादमी जो अवार्ड है वो इन्हें मिला 1956 में, और तानसेन अवार्ड मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भी इन्हें प्राप्त हुआ। तो ये इनका एक अस्तित्व था जो कि मैंने आप लोगों को बताया। बिस्मिल्लाह खां साहब से जुड़ी, इनके घराने से जुड़ी एक दो कहानियां हैं जो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा। सबसे पहले मैं इस बात का जिक्र करता हूं कि इनका नाम बिस्मिल्लाह कैसे पड़ा, मतलब उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो नाम है वो क्यों पड़ा, कैसे पड़ा, क्या कारण रहा, उन सभी के बारे में अब मैं चर्चा करूंगा। ध्यान से देखिए कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का नाम लिखने के बाद उनका परिचय देने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपने बिस्मिल्लाह खां नाम लिख दिया तो अपने आप शहनाई बन गई, माने ऐसा मुझे नहीं लगता है, क्योंकि कहते हैं ना कि कुछ लोगों का बस नाम ही काफी है। अब नाम कैसे बना, काम से बनता है मित्रों नाम, तो उन लोगों का नाम नहीं काम बोलता है, तो इन लोगों का वास्तव में काम बोला है, इसीलिए आज इनका नाम है। एक घटना है, देखिए 21 मार्च 1916 को बिहार के डुमराव नामक गांव में एक मुस्लिम परिवार में पैगंबर खां और मिठुन बाई के यहां एक बच्चे की किलकारियां गूंजी थी। किसके यहां? पैगंबर खां साहब और मिठुन बाई, अर्थात इनके पिता का नाम है पैगंबर खां और इनकी माता का नाम मिठुन बाई। इनके यहां एक बच्चे की किलकारी गूंजी और उस बच्चे के जन्म होते ही उनके दादा, अर्थात वो जो बच्चा था उनके दादाजी, उनके दादा का नाम अर्थ क्या, रसूल खां साहब ने प्यार भरी नजरों से अपनी तरफ देखा और उस जन्मे हुए बच्चे के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। उनके दादा ने यह मुंह अल्लाह का शुक्रिया अदा करने के लिए खोला था और यही शब्द आगे धीरे धीरे चलता हुआ इनका नाम में परिवर्तित हो गया था। इसी प्रकार इनका नाम पड़ा बिस्मिल्लाह। इनके बचपन का एक नाम और था कमरुद्दीन खां, इनके बचपन का एक नाम और था कमरुद्दीन खां, लेकिन आज संपूर्ण जगत में इन्हें बिस्मिल्लाह के नाम से ही जाना जाता है।
खान साहब का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में मुग्गम खानम के साथ हुआ। वे अपनी बेगम से बहुत प्रेम करते थे, इनकी बेगम का नाम था मुग्गम खानम। तो ये अपनी बेगम से बहुत प्रेम करते थे, परंतु सहनाई के साथ अपने प्रेम लगाव और श्रद्धा तथा भाव के कारण ये शहनाई को ही अपनी दूसरी पत्नी भी मानते थे। एक पत्नी थी मुग्गम खानम और दूसरी पत्नी थी शहनैया। ठीक है, संगीत सुर और नमाज, नमाजी थे ये, तो संगीत के प्रति इनका लगाव, सुर की समझ और सुर की इबादत और नमाज, इन तीनों के अलावा बिस्मिल्ला खान साहब का जीवन में कोई और महत्वपूर्ण कार्य नहीं था। 2001 में भारत रत्न से नवाजे गए तथा इंडिया गेट पर शहनाई बजाने की इच्छा रखने वाले हमारे प्रिय बिस्मिल्ला खान की आखिरी इच्छा अधूरी ही रह गई और उन्होंने 21 अगस्त 2006 को इस दुनिया में अंतिम सांस ली और उस अंतिम सांस के साथ आत्मा को परमात्मा से जोड़ने वाली उनकी शहनाई की धुनें हमेशा के लिए खामोश हो गई। ऐसे चमकते हुए ध्रुव तारे को आज उनकी पुण्यतिथि पर उनके चरण कमलों में, अर्थात उनके जन्म दिवस पर, सॉरी पुण्यतिथि नहीं, उनके जन्म दिवस पर उनके चरण कमलों में मैं सादर प्रणाम करता हूं। दोस्तों, ये इनकी एक बात थी। अब एक बहुत ही सुंदर घटना, एक रोचक घटना मैं आप सभी के समक्ष कहना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा, बड़ा अच्छी घटना है और वास्तविक घटना है। एक दिन की बात है, प्रातःकाल का समय था और खान साहब अपनी चारपाई पर बैठे हुए थे और बगल में शहनाई रखी हुई थी और धूम्रपान का सेवन ये करते थे, तो इनका चल रहा था, बीड़ी वगैरह पी रहे थे। तो उनकी शिष्या आकर नीचे बैठ जाती है, तो उस शिष्या ने डरते डरते खान साहब को टोक दिया और कहा, इनसे सब, इनके जो शागिर्द से सब बाबा कहते थे इनसे, और कहा, उस शिष्या ने कहा कि बाबा आप यह क्या करते हैं, आपकी इतनी इतनी प्रतिष्ठा है, इतना आपका नाम है, इतना सम्मान आपको दुनिया देती है, अब तो आपको भारत रत्न भी मिल चुका है, फिर भी आप ये फटा हुआ तहमद पहनते हैं, ये फटा हुआ तहमद न पहना करें, हम सभी बच्चों को अच्छा नहीं लगता है, जब भी कोई आता है तो आप इसी फटे तहमद में इनसे मिलने लगते हैं। अर्थात फटी लुंगी की बात हो रही है, धोती की बात हो रही है, फटे कुर्ते की बातें हो रही है, तो आप ये फटा तहमद न पहना करें, हमें ठीक नहीं लगता है। खान साहब ने उस शिष्या की ओर देखा बड़ी प्यार भरी नजरों से और लाड से भरकर बोले, धत पगली, ये भारत रत्न हमको शहनाइया पर मिला है, ना कि ये लुंगिया पर। ये लुंगिया से कहा मतलब है हमको, हमको ये भारत रत्न जो है ये शहनाइया पर मिला है, ना कि लुंगिया पर। तुम लोगों की तरह अगर बनाव सिंगार ही देखते रहते तो बस बच चुकी थी शहनाई, तब क्या खाक रियाज हो पाता। तुम ही बताओ, अगर तुम कहती हो तुम्हें ठीक नहीं लगता है, ठीक है बिटिया, आगे से नहीं पहनेंगे, मगर सुनिए, बिटिया से कह रहे हैं अब खान साहब कि मगर सुनिए, इतना हम तुम्हें बता ही देते हैं कि मालिक से बस यही दुआ है कि फटी हुई लुंगिया तो फिर भी चल जाएगी, लेकिन फटा हुआ सुर कभी हमारी शहनैया से ना बजे, कि फटा हुआ सुर न बजे, ये फटी हुई लुंगिया तो फिर भी चल जाएगी, लुंगिया का है, आज फटी है तो कल सिल जाएगी। बाबा ने कहा कि बिटिया, मालिक से बस यही दुआ है कि फटा सुर न बजे, ये फटी हुई लुंगिया तो फिर भी चल जाएगी, लुंगिया का क्या है, आज फटी है तो कल सिल जाएगी। तो ऐसे दिग्गज महान कलाकार हुए हैं उस्ताद बिस्मिल्ला खान साहब।
तो कमेंट्स के माध्यम से एक बार जरूर बताएं आपको कैसी लगी कहानी और इनकी बायोग्राफी पर मैंने थोड़ा सा प्रकाश डाला। और बाबा को जन्मदिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर वीडियो लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। जरूर बताइएगा कमेंट्स के माध्यम से कैसा लगा आप सभी को। गुड बाय टू ऑल, नमस्कार।